जानिए आज से सरकार ने कोरोना को लेकर क्या लगाए हैं नए प्रतिबंध और कोरोना की क्या है ठाणे मनपा और मुमरा में स्थिति। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर ने लगभग महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है, शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 9 जनवरी को एक बैठक करके 10 जनवरी से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते और मरीजों की संख्या के चलते नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रतिबंध है भीड़ न करने का, यानी कि आपको दिन में कहीं पर भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने हैं। उसके बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक संचार बंदी रहेगी, यानी आवागमन बंद रहेगा, अत्यावश्यक सेवा के लोग और मेडिकल फील्ड के लोग ही बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा हर किसी को संचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 15 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए हैं। वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। निजी कार्यालयों को खास करके इसका पालन करना होगा। एमपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं के छात्रों के लिए जो हॉल टिकट है उस पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं उस हॉल टिकट के जरिए। वहीं जिन लोगों ने 2 टीका कोरोना के लगा लिए हैं ऐसे ही तमाम लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही लोकल बस आदि से प्रवास कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लोकल ट्रेन पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लाया गया है, उसमें कोई कमी या कटौती नहीं की गई है। राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को 2 डोज लेना अनिवार्य होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा। मॉल के लिए 50% क्षमता की छूट दी गई है। सुबह 10 से 8 बजे तक ही 50% क्षमता के साथ मॉल चलाए जा सकते हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट ये सुबह 8 से 10 बजे तक 50% क्षमता से चलाए जा सकते हैं। 24 घंटे होम डिलीवरी की सुविधा है। होटल रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के लिए दोनों टीका लेना अनिवार्य होगा और होटल के पूरे स्टाफ का भी जो है टीकाकरण मुकम्मल होना चाहिए। वहीं शादी में, अब शादी समारोह है तो उसमें भी केवल 50 लोगों की अनुमति होगी। यही नियम सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तरह के कार्यक्रमों पर लगाया गया है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए चाहे जनाजा हो, किसी भी तरह की दफन विधि या अंत्य विधि की प्रक्रिया हो, उसमें केवल 20 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। यानी कि हर तरह के अंतिम संस्कार विधि में सिर्फ 20 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। इसके अलावा जिम, स्पा, सलून ये 50% क्षमता से खुले रहेंगे। स्पा और सलून में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य और मास्क अनिवार्य किया गया है। तो रात 11 बजे के बाद संचार बंदी रहेगी, दिन में जो है जमाव बंदी रहेगी। इस तरीके के ये तमाम नए कोरोना प्रतिबंध जो है सरकार ने बढ़ते हुए आंकड़ों के चलते लगाए गए हैं। वहीं अब हम अपने खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ठाणे मनपा क्षेत्र की। राज्य में लगे नए कोरोना निर्बंधों के चलते ठाणे मनपा क्षेत्र में क्या हालात है, कोरोना की क्या आंकड़े हैं ठाणे मनपा के समूचे क्षेत्र और मुमरा के, आइए खबर के दूसरे हिस्से में इस पर बात करते हैं। 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ठाणे मनपा क्षेत्र में कोरोना की मरीजों के आंकड़ों की स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। खास करके इसमें मुमरा के भी आंकड़े शामिल हैं। 4 जनवरी को ठाणे मनपा के 9 प्रभाग समितियों का मिलाकर के कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा था 1332, जिसमें सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या वो माजीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति में कुल 519 मरीजों की। वहीं मुमरा में 4 जनवरी को मरीजों की संख्या थी 24। इसी तरह से 5 जनवरी की हम बात करें तो ठाणे मनपा के समूचे क्षेत्र में कुल मरीजों का आंकड़ा था 1685 और मुमरा में यह आंकड़ा है 22। अब बात करेंगे 6 जनवरी की तो ठाणे मनपा क्षेत्र में कुल आंकड़ा है 2180 और मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र में यह आंकड़ा है कोरोना मरीजों का 47। 7 जनवरी को ठाणे मनपा क्षेत्र में 2442 और मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र में 35। 8 जनवरी को ठाणे मनपा क्षेत्र में कुल आंकड़ा 2969 और मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र में मरीजों का यह आंकड़ा है कुल 63। वहीं 9 जनवरी को ठाणे मनपा क्षेत्र में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा है 2626 यानी 2626। वहीं मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र का आंकड़ा है 40। 10 जनवरी को ठाणे मनपा क्षेत्र में आपको बता दें कुल आंकड़ा है कोरोना मरीजों का 2307। वहीं मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र में यह आंकड़ा है 24। इस तरह से मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र की हम बात करें तो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक यहां पर कुल अब तक कुल 255 कोरोना मरीज पाए गए हैं। वहीं 4 जनवरी से 10 जनवरी तक के ठाणे मनपा क्षेत्र की 9 प्रभाग समिति में लगातार 7 दिन माजीवड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति क्षेत्र से सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। 519 से यह आंकड़ा शुरू होकर 10 जनवरी तक
904 तक की संख्या पर यह पहुंचा है। 8 और 9 जनवरी को तो 1000 का आंकड़ा माजीवड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति में पार किया गया है। तो कुल मिलाकर ठाणे मनपा क्षेत्र और मुमरा प्रभाग समिति के कोरोना मरीजों के आंकड़ों की ये थी पूरी जानकारी। नए निर्बंध सरकार ने क्या लगाए हैं और ठाणे मनपा क्षेत्र में मुमरा मिलाकर के क्या कोरोना मरीजों के आंकड़े कहते हैं, ये थी आज की हमारी इस पर पूरी जानकारी देने वाली रिपोर्ट।